हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस साइड साइबर हेयर फ्रॉम क्राफ्टर लॉगर. एंड इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस सिंपल बॉटल इंटू वेरी ब्यूटिफुल इन अ होम डेकोर, और यू कैन रीवैम दिस. इन दिस वीडियो आई हैव डन डेक्यूपाज, मैनी टेक्निक्स आई हैव डन, ट्रांसफर्स ऑल्सो आर डन, सम स्प्रिंकलिंग्स आर ऑल्सो डन, एंड वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स आर डन इन अ वेरी सिंपल वे. So let's get start this video. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ये एक वाइन बॉटल ली है. इसके ऊपर मैंने हैवी वाइट जैसो का कोट किया है. आप एक से दो कोट भी कर सकते हो. अब हम ये डेक्यूपाज नैपकिन ले रहे हैं जिसकी 3 प्लाई होती है. एंड इसको मैंने सीजर से कट किया. एंड उसके बाद आपको इसकी मेजरमेंट्स देखनी है कि किस साइड जाएगा, मतलब दो साइड्स आएंगी बुद्धा की या नहीं आएंगी. वो आपको अपने बॉटल के अकॉर्डिंग देखना, या आपको सिर्फ फ्लावर्स ही चाहिए. अब आपको पानी और ब्रश की हेल्प से इसको टियर करने, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है. और साइड्स की भी टेयरिंग आपको पानी और ब्रश से ही करना है. अब आपको डेक्यूपाज ग्लू लेनी है, बॉटल पे लगाना विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश. आपने अच्छे से इसको लगा देना है. बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना. और स्लोली हम अपने टिश्यू नैपकिन को पेस्ट करेंगे, बहुत ही स्लोली. एंड उसके बाद आप एक प्लास्टिक की शीट इसके ऊपर लगा सकते हो. अब इसके आगे के प्रोसेस में भी सेम आपको ग्लू लगा के ये टिश्यू को प्रेस कर देना है. और विद द हेल्प ऑफ दिस प्लास्टिक क्लिंग फ्लिंग, कोई भी प्लास्टिक जो भी घर में अवेलेबल होता है, उसके साथ आपने इसको दबा देना है. देन इसको प्रेस कर देना है एंड देन लेट इट ड्राई. अब जो टिश्यू के साइड्स पे ये फ्लावर्स है, आपने इसको अच्छे से फसी कट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश एंड वाटर. एंड उसको भी हम साइड्स पे लगाएंगे और बुद्धा की भी कटिंग अच्छे से कर देनी है. सेम प्रोसेस, जो लेफ़्ट ओवर प्लेस है इस पे हम बुद्धा लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये बर्ड नहीं चाहिए. सो मुझे इसको छुपाना है. जैसे हमने फ्रंट साइड पे बुद्धा के ऊपर हमने क्लिंग फ्लिंग से इसको पेस्ट किया था, वैसे ही आपने बैक साइड में भी सेम प्रोसेस रखना है एंड लेट इट ड्राई कम्प्लीटली. नाउ वी आर यूजिंग दिस क्रैकल मीडियम. जब आपने क्रैकल मीडियम लेना है तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे. हमें बहुत मोटा नहीं चाहिए और बहुत पतला नहीं चाहिए. आप क्रिस क्रॉस भी दे सकते हो. और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने ओवरलैप नहीं करना, उसको फिर सुखाने के लिए छोड़ देना है. नाउ आई एम टेकिंग दिस सॉफ्ट येलो चॉक पेंट और इसके बुद्धा के कॉर्नर से हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे. टिकल ब्लू पटीना पिंक कलर्स लेंगे और डैब डैब करके, बहुत ज़्यादा डैब नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जो ऊपर के क्रैक्स है वो हट जाएंगे. बट आर क्रैकल मीडियम इज़ सो गुड, मेरे को करने के बाद पता चला इतनी लेयर्स डालने के बाद भी क्रैक्स थे उसके अंदर. तो इट्स सो ब्यूटिफुल, यू जस्ट ट्राई वंस. अगर आप 4 to 5 to 6 लेयर्स भी कर दोगे ना, तो भी आपके क्रैक्स विजिबल होंगे, अगर आपकी बहुत थिन लेयर है तो. एंड मिक्स एंड मैच करके विद द हेल्प ऑफ दिस राउंड ब्रश, जिसे हम वाटर कलर्स पेंटिंग करते हैं, उस तरह से हम इसको मर्ज करके अपनी बॉटल को कंप्लीट कर देंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक आर वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो.